अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही शहर की कायापलट का काम भी शुरू हो गया है। इसके तहत विकास कार्यों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। अब आप महादेव मंदिर से लेकर गुप्तार घाट तक बनाई जा रही इस सड़क को ही ले लीजिए। अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा इस सड़क को युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है। महादेव मंदिर से गुप्तार घाट तक बनाई जा रही इस सड़क की लंबाई 540 मीटर है। इस सड़क को 24 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। नाले, पैदल चलने वालों के लिए अलग मार्ग, बाउंड्री वॉल का भी निर्माण किया जा रहा है। कार पार्किंग और मोटरसाइकिल पार्किंग का भी निर्माण कार्य चल रहा है। 540 मीटर की रोड है हमारी, महादेव मंदिर से गुप्तार घाट रोड तक की है और बहुत ही अच्छा सुविधा है। और यहाँ श्री राम भगवान जल समाधि लिए थे, जस्ट अयोध्या शेरयू नदी के किनारे का एक प्रोजेक्ट है। बहुत ही अच्छा, आने वाले समय में बहुत ही अच्छा दिखेगा। यहाँ पे लोग यहाँ पे ऐसे भी घूमने के लिए बहुत ही पसंद कर रहे हैं, आ भी रहे हैं लोग। और बहुत ही अच्छा सुविधा बनाया जा रहा है, जहाँ बनाया जा रहा है बहुत ही अच्छा जगह बन रहा है। निर्माणाधीन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक निजी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल यहाँ चल रहे निर्माण कार्यों में 60 से 65 आदमी काम कर रहे हैं और 12 से 14 घंटे काम किया जा रहा है। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के पीछे एक वजह ये भी है कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व होने की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। लास्ट टाइम जब आए थे तो हमें लगता था कि इतना पवित्र स्थल है और यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, तो सोच के तो यही आए थे कि चलो छुट्टी कर बिताए आते हैं। लेकिन आके हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सड़कें बहुत अच्छी लगी और डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगा, साफ सफाई बहुत अच्छी लगी। पहले तो यहाँ सच में इतना दुख होता था कि हमारे राम जी यहाँ के हैं, उन्होंने यहाँ से अपना लोक छोड़ा था और इस स्थल को इन्होंने बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया, लेकिन इस बार बहुत अच्छा लगा। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट अयोध्या का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। सरकार की तरफ से इसके सौंदर्यकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने बैकुंठ जाने के लिए यहाँ जल समाधि ली थी, इसलिए यहाँ स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को यहाँ प्रतिदिन आरती का आयोजन भी किया जाता है। इसके आसपास कई मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को गुप्तार घाट पर सभी तरह की सुविधाएं मिल सकें, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। पिछली बार जब आए थे हम यहाँ 8-10 बार आ चुके और विभिन्न सरकारों के समय में आए, लेकिन इस बार हम योगी जी और मोदी जी के राज में जब यहाँ आए हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट दिख रहा है और काफ़ी काम हुए हैं यहाँ। और शायद सही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। और विकास तो काफ़ी अयोध्या क्या, हम अभी दूसरे इलाकों में भी गए, बनारस भी गए और वहाँ भी सब तरफ विकास दिख रहा है और लोग बहुत खुश हैं, प्रजा काफ़ी खुश लग रही है और दिख रहा है काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मनगरी अयोध्या के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। इसके तहत विकास कार्यों में जिस तरह की तेजी दिख रही है उससे यहां आने वाले लोग तो खुश हैं ही, साथ ही अयोध्या में तमाम तरह की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में अयोध्या की तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिलेगी।